म्यूजिशियनों की भीड़, ऑर्केस्ट्रा के विश्व रिकॉर्ड। पिछले साल 13 नवंबर की बात है, 13 तारीख को वेनेजुएला में 8573 म्यूजिशियनों ने एक साथ एक ही धुन बजाकर दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसमें 12 साल के बच्चे से लेकर 77 बरस के बुजुर्ग तक शामिल थे। वहाँ के एल सिस्टेमा नामक ऑर्केस्ट्रा से जुड़े ये लोग कई दिन पहले से देशभक्ति की एक धुन का अभ्यास करते रहे। रिकॉर्ड बनाने के लिए वे काराकस की एक सैन्य अकादमी में जुटे। 5 मिनट से ज्यादा समय तक एक सुर में अपने वाद्य बजाते रहे। इन लोगों ने कुछ ही दिन पुराने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 8097 म्यूजिशियनों के बनाए रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। खास बात यह है कि उन दिनों कोरोना चल ही रहा था और ऑर्केस्ट्रा में शामिल सब लोग मास्क पहने हुए थे। वैसे भी पश्चिम के कई ऑर्केस्ट्रा ऐसे हुए हैं जिनमें सैकड़ों म्यूजिशियन दिखते हैं। जुबिन मेहता के साथ हम यह देख ही चुके हैं। 2016 में आर्ट ऑफ लिविंग वाले श्री श्री रविशंकर के दिल्ली में यमुना किनारे हुए वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में दावा किया गया था कि 50 किस्म के 10,000 वाद्य एक साथ बजाए गए, पर क्या इस बात को कोई मानता हुआ है? उल्टे यह कार्यक्रम संगीत की बजाय विवादों के लिए ज्यादा चर्चित रहा। उम्मीद है यह लघु प्रस्तुति दिलचस्प लगी हुई। नया इंडिया के जानकारी भरे ऐसे दिलचस्प छोटे वीडियो की सूचना के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.